वेलकम टू मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज GSTR1, द इम्पोर्टेंस ऑफ GSTR1 एंड हाउ टू जनरेट GSTR1 इन मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज GSTR1। तो GSTR1 मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न है जो हर डीलर को फाइल करना होता है। GSTR1 में आउटवर्ड डिटेल्स एंड सेल्स रिटर्न की सप्लाईज इंक्लूडेड होती है। GSTR1 में टैक्स पेयर के सेल्स और गुड्स ऑफ सप्लाई की एंड सर्विस की पूरे मंथ की डिटेल्स एड की होती है। अब हम जानेंगे वाई GSTR1 इज इम्पोर्टेंट। जो GSTR1 रजिस्टर्ड डीलर थ्रू फाइल किया जाता है, जिस डीलर ने सप्लाईज की है उनके लिए GSTR2A की डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होगी। GSTR1 नील रिटर्न भी फाइल किया जा सकता है। GSTR1 एक बेस डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरा GST कंप्लायंस स्ट्रक्चर्ड है। अब हम जानेंगे हाउ टू जनरेट GSTR1 इन मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम जाएंगे GST, GST रिटर्न एंड GSTR1 में। यहाँ पर हम रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करेंगे, देन रिपोर्ट 4 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस दिए गए हैं। हेडर में हम वाउचर रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हैं। फुटर में इन बटन्स पर क्लिक करके आप डिफरेंट वाउचर एंट्रीज देख सकते हैं। हम वन बाय वन इन बटन्स के बारे में जानेंगे। B2B बटन पर क्लिक करके आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। B2BA बटन पर क्लिक करके B2B के अमेंडमेंट की एंट्रीज शो होगी। B2CL बटन पर क्लिक करके हम बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज की ट्रांजेक्शन डिटेल्स देख सकते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज इंटरस्टेट के नॉन GST रजिस्टर्ड कस्टमर की सप्लाई कवर करता है, जिसमें अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम जानेंगे B2CLA बटन के बारे में। इसका फुल फॉर्म है बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज। इस बटन पर क्लिक करके आपको B2CL की अमेंडमेंट एंट्रीज शो होगी। आप B2CS में बिजनेस टू कंज्यूमर स्मॉल के ट्रांजेक्शन्स आप यहां से देख सकते हैं। यहां सप्लाईज कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जाएगी। B2CS है, जितनी भी सप्लाई कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन को की होगी उसकी अमेंडमेंट की एंट्री यहां पर एडेड होगी, तो आप देख सकते हैं। CDNR पर क्लिक करके हम क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रिटर्न्स में की जाती है। CDNR है क्रेडिट डेबिट नोट्स और रिफंड वाउचर्स जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को टैक्स पीरियड ड्यूरिंग इशू हुए होंगे उसकी अमेंडमेंट एंट्रीज आप यहां से देख सकते हैं। CDNUR सेक्शन में आप वो एंट्रीज देख सकते हैं जो आउट ऑफ स्टेट की है और जो एंट्रीज 2,50,000 के ऊपर है और कंज्यूमर्स और अनरजिस्टर्ड है। CDNUR में कोई भी चेंजेस है तो वो एंट्रीज आपको CDNUR सेक्शन में शो होगी। एक्सपोर्ट, इस सेक्शन में हमने आउटसाइड इंडिया का मतलब एक्सपोर्ट का कोई बिल ऐड किया है तो एंट्री यहाँ शो होगी। एक्सपोर्ट अमेंडमेंट बटन पर क्लिक करके आपने अगर कोई एक्सपोर्ट की एंट्री की है और एक्सपोर्ट की एंट्री में कोई चेंज करना है EXPA में आप वो एंट्रीज देख सकते हैं। डॉक्स, टैक्स पीरियड के टाइम पर टैक्स पेयर द्वारा इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। AT एडवांस रिसिप्ट ट्रांजेक्शन की एंट्रीज आप AT में देख सकते हैं। ATA DJ बटन से एडजस्टमेंट अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन डिटेल्स देख सकते हैं। एग्जेम्प्ट बटन पर क्लिक करके आप एग्जेम्प्ट नील रिटर्न और नॉन GST सप्लाई के ट्रांजेक्शंस देख सकते हैं। HSN बटन पर क्लिक करके आप HSN वाइज समरी देख सकते हैं। आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके या Ctrl+A प्रेस करके आप GSTR1 की एक्सेल शीट एंड JSON फाइल जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन यू कैन क्लिक ऑन आई एग्री बटन, select that export path and click on export. After a few minutes, GSTR file selected path पर export हो जाएगी। Selected path पर जाकर आप GSTR file देख सकते हैं। अब अगर आपको Excel file portal पर upload करनी है तो उसके लिए आप offline utility tool का use कर सकते हैं। इस GST offline utility tool में आपको Excel file upload करनी होगी, then जो JSON फाइल जनरेट होगी उस जनरेटेड JSON फाइल को आपको GST पोर्टल पर अपलोड करके इजीली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्टली JSON फाइल जनरेट किया तो उसे आप ऑनलाइन GST पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।